ओके सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिला, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग एक अनरिकग्नाइज्ड लोगों को जिस तरह से रिकग्निशन दे रहे हैं और जिस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इस तरह की चीज़ें जिस जो इनिशिएट किया है उनको बिग थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और आप क्या कहना चाहिए, आज आपको भी एप्लीकेशन मिला है तो आप क्या कहना? बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है तो आप कई सारे टीवी के शो को कास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? आज इतने बड़े एप्लीकेशन मिला है कास्टिंग करने के लिए, हम देखते हैं कभी भी एक्टर्स को एप्लीकेशन मिलता है, जो बैकएंड रहते हैं उनको एप्लीकेशन नहीं मिलता, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या, जो हमारा शो आता है उस शो पे जो हमारा नाम आता है वो हमारा एप्रिसिएशन ही होता है। और जितने भी कलाकार हम खास करते हैं, वो कलाकार जब हमारे बारे में बोलते हैं तो देट इज़ द बिगेस्ट एप्रिसिएशन विच आई, मतलब वी जनरली वी गेट। और आज जब अवार्ड मिलता है तो कितने अप्रिशिएट आपको फील होता है, मतलब एप्रिसिएशन मिलता है तब अवार्ड मिलना ऊपर आता है? अब ये बहुत सबको अवार्ड, किसको अच्छा नहीं लगता है, हमको भी अवार्ड मिला है, हमको भी बहुत पावर मिलता है, एक्चुअली पावर मिलता है कि और अच्छा और बड़ा काम करें, कि और बड़े बड़े अवार्ड ले सके हम। ओके, जो नए नए एक्टर्स आते हैं बॉम्बे में आते हैं तो गांव से, मतलब क्या क्या करना चाहिए, कुछ आप बेसिक थिंग अगर आप बता सके क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट आ जाते हैं मुंबई में और स्ट्रगलिंग करते रहते हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो होना चाहिए बेसिक एक क्वालिटी एक्टर के? जैसे बॉर्डर पे जो सेना जाता है लड़ने के लिए तो उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भेजी जाती है, अगर वो ट्रेनिंग के साथ नहीं जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो सेम वे एक एक्टर आर्मी की तरह ही होता है, उनको भी पूरी ट्रेनिंग के साथ आनी चाहिए, और ये किसी बॉर्डर से कम नहीं है हमारी इंडस्ट्री। दिवाली के लिए हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। हमारी कंपनी का नाम है श्रद्धा सोहन कास्टिंग, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जो हमको देख रहे हैं सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आज एप्लीकेशन अवार्ड मिला, क्या कहना? इंडियन शाखा अवार्ड को और मनीष को मौर्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उसने हमें इस लायक समझा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में मेरी छुटकी बोल के एक शालिनी सिंह है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सर जब अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि एप्रिसिएशन किया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा होता है, एक अच्छी खुशी का माहौल होता है, और मैं भी खुद अवार्ड फंक्शन करता हूँ। और दिवाली आ रही है, दिवाली की क्या तैयारी होने वाली, कुछ आप बताना चाहिए? दिवाली पे यही कहना चाहूँगा, आत्मनिर्भर बने और भारतीय वस्तुओं को यूज करें, चाइना का वस्तुओं का बहिष्कार करें, जिससे हम आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश की मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो आपको लगता है ये बहुत जरूरी है कि चीन जैसे प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत जरूरी है, बिना मारे बिना करे। आज 1,20,000 करोड़ का चीन को फटका लगा है, तो हम आत्मनिर्भर बने हैं और हमने अपनी इंडियन वस्तुओं को यूज किया है, और हमारी इंडियन वस्तुएं जो है संस्कृति से मिली जुली हैं। आखिर में लोगों से क्या कहना चाहिए, दिवाली आ रही, दिवाली की शुभकामनाएं? मैं आज लोगों को इस इंडियन सागा अवार्ड की ओर से और मेरे अपनी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भारतीय वस्तुओं यूज करने का एक आह्वान करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि फिट इंडिया का डोज आधा घंटा रोज, फिट इंडिया का डोज आधा घंटा रोज। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लव टू थैंक्स इंडियन सागा अवार्ड एंड सनी अग्रवाल एंड मनीष जी, एंड आई लव टू हेयर, आई एम हेयर, सो आई वुड थैंक्स। थैंक यू सर। देखा सर, क्या कहना चाहिए, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? ये अवार्ड मुझे मिला है, बहुत खुशी हो रही है कि सागा अवार्ड जो मुझे याद किए इन लोगों ने, मुझे बहुत खुशी हुई। एज अ एक्शन डायरेक्टर में तो मैंने काफ़ी फिल्में किया हूँ, बड़ी बड़ी, दो फिल्म फेयर अवार्ड भी ले चुका हूँ, लेकिन उस फिल्म फेयर अवार्ड से ज़्यादा अवार्ड की अहमियत ये है
कि मुझे यहाँ पर मेहमान बना के बुलाए, इज्जत दिए और ये अवार्ड दिए। सागा अवार्ड वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। रिकॉर्डिंग कौन है आप, बोलिए आपका सवाल। हाँ पूछिए सवाल। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? इंडियन सागा अवार्ड नाइट मेरे लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और मुझे अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सपोर्टिंग के लिए। मैंने इंडस्ट्री के लिए इतने साल काम किया, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। एंड आई टेक इट इन अ वेरी गुड मैनर एंड वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज आई डिजर्व इट, ऑल द अवार्ड्स आई डिजर्व। सो थैंक यू साहिल खान, जो इन्होंने अवार्ड नाइट का ऑर्गेनाइज किया, इंडियन सागा अवार्ड नाइट, एंड अ ब्यूटिफुल इवनिंग, एंड आई रियली एंजॉयड। जब अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस? देखिए, अवार्ड बड़ा हो छोटा हो, बहुत बड़े समारोह में मिले कि छोटे में मिले, बट हमेशा खुशी होती है, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ को रिकग्नाइजेशन मिलता है तो आदमी हमेशा खुशी होता है। सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हैव दिस अवार्ड। All my viewers, have a lovely, happy Diwali and have a safe Diwali, and really take care of yourselves, and I wish you a very happy and prosperous new year. I love you all. Take care. बहुत ज़्यादा सॉरी। चलो ओके, किसी को सर बहुत ही अच्छा लगा, आपका अवार्ड मिला है, आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह सभी जानते हैं, तो आप बताइए क्या फील करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है जब किसी आर्टिस्ट को लोग बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं, और जैसा कि हर एक आर्टिस्ट चाहता है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि कई सारे अवार्ड्स मिले और आज मुझे इंडियन सागा अवार्ड्स के लिए बुलाया गया और ये ट्रॉफी मेरे हाथ में। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। जब अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हम लोग तो बहुत बड़े बड़े शोज़ करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन पैसे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अवार्ड्स जो है ना वो घर पे जितने ज़्यादा होते हैं वही हमारी ताकत होती है, मेरा ये मानना है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे एक गाने की फेमस? गाना जैसे अभी राधे राधे आया था ड्रीम गर्ल 2 का, तो उसके लिए मैं नॉमिनेट भी हुआ था मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में, एंड देन काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, देन आज इंडियन सागा अवार्ड्स मिला मुझे। इसके बाद में बाबा लाएंगे क्रांति मेरा जो गाना था, जो वेब सीरीज़ हमारी आई थी। आम गुड, आम गुड। या जस्ट जस्ट ओके। जी जी, बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे, ऑलरेडी हमने आपसे बात कर ली है, यस तो क्या कहना चाहेंगे आपके नए गाने के, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? अपकमिंग सॉन्ग्स, अभी दिवाली के जस्ट बाद मेरा एक अमावस गाना आ रहा है, बहुत अच्छा गाना है और सैड रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें मैं भी हूँ, और आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। देन हमारी एक मूवी आ रही है नुसरत भरूचा की, जनहित में जा रही है, उसमें एक गाना है, मैं और धोनी भानुशाली हूँ उसमें, तो वो गाना आने वाला है। कई सारे सिंगल्स एंड फिल्म्स के सॉन्ग्स आने वाले हैं। आई होप कि अभी लास्ट जो मेरा बाबा लाएंगे क्रांति था आश्रम वेब सीरीज़ का, बाबा लाएंगे क्रांति ओ हो ओ, ये बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। देन राधे राधे आप लोगों ने सुना ही हुआ है, अभी अंदर भी मैंने गाया, तो ये चीज़ें हैं। और एंड टुडे आई गॉट दिस अवार्ड, इंडियन सागा अवार्ड्स, सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब एक आर्टिस्ट के काम को सराहा जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू। ये एक जब किस हर किसी को जब कोई एक अवार्ड से नवाजा जाता है तो वो एक समवेयर डाउन द लाइन वो एक फील फैक्टर है कि आप के काम को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। इट्स द होल थिंग अबाउट, यस प्रोबेबली वॉट एवर यू आर डूइंग इज समथिंग ऑन दोज लाइन्स वेयर द कॉन्टिनेंट नीड्स यू, एंड टू गेट ऑनर्ड, थैंक्स अ मिलियन, ऊपर वाले का मेहर है। क्या कुछ अपकमिंग आपके सर आने वाले हैं? आप तो ढेर सारे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट करते रहते हैं। लगे रहे यार, जिंदगी रहेगी तो सब करेंगे। थैंक यू। दिवाली की शुभकामनाएं। व्यूअर्स, अ फैंटास्टिक दिवाली, अ कोरोना फ्री दिवाली फाइनली। होप वी रियली लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट एंड मेक द कॉन्टिनेंट अ फैंटास्टिक प्लेस टू लिव इन।
थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम हियर एट इंडियन सागा अवार्ड्स चैप्टर 1। सो आई हैव बीन टाइटल्ड एज द सदर्न सेंसेशन। ओके, सो सदर्न सेंसेशन, दैट्स सो नाइस एज आई एम डूइंग 2 to 3 movies in 2 movies and 1 movie which is upcoming in Tamil, and also you will be seeing me in Bollywood 2 movies, names are coming soon. And thank you so much for inviting me over here, and I would appreciate, love to appreciate Zest and Creative, which is actually doing so good work and so good job, like giving platforms, giving appreciations to all those who are achievers. And not only this, but even I am a team member, we can say, because even I have been signed up for a movie under Zestin Productions. And I would love to appreciate Manish Maurya sir, F Star Music, Farooq Bhai, and all the whole team who are behind this show, this grand show, award show. I would love to thank, and all the directors, producers, actors, actresses, models, those who have come over here, I would love to appreciate them, because they have took time and they have come here. Even I am coming from a shoot directly, so it's so good to be over here. And thank you so much for this award, Southern Sensation. I really can't believe that this is the award, which this is the title I have got over here. So thank you so much for this. And yes, we have Nitya ji over here, a very gentleman, a very great man. Okay, so thank you so much, everybody. Thank you. थैंक यू। क्या कहना चाहिए आज के लिए? आज मेरा यही कहना है कि इंडियन सागा अवार्ड जो आज दिया जा रहा है जस्टिन और ये म्यूजिक के कारण,
जब ये लोगों ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि किसी भी सोशल फील्ड में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको इनकरेज करने का काम जस्टिन और ये म्यूज़िक करती है, और जो जिनको अवार्ड रिसीव्ड होता है, जैसे मुझको आज अवार्ड रिसीव मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अभी इस अवार्ड के साथ मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि हमको समाज में और अच्छा काम करना है। और इनकी जो जस्टिन की और जो इसकी जस्टिन और यफ म्यूजिक की ये जो मुहिम है कि सोशल काज करने वाले लोगों को अवार्ड किया जाए और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, तो आज ऐसे प्रोग्राम में आ करके और ऐसे प्रोग्राम द्वारा जो अवार्ड इंडियन सागा अवार्ड मिला, उसके लिए मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो अवार्ड दिया है मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, और उस जिम्मेदारी को मैं आगे ऐसे निर्वाह करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि समाज में जो अच्छे सोशल काज हों उनको और आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इनका जो प्रोग्राम हुआ, इस कोविड का प्रोटोकॉल को पालन करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनीष जी के बारे में सिर्फ एक शब्द में यही कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अकेला चाहे तो किसी भी काम को कर सकता है, अगर उसके इकलौते कोई एग्जाम्पल हैं तो मनीष जी इज़ वन ऑफ देम। मनीष मौर्य जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी तक कई ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। स्पेशली इन्होंने, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हों, चाहे सोशल काज करने से जुड़े हुए क्षेत्र के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे एजुकेशन के से जुड़े हुए लोग हैं, हर फील्ड के लोगों को इनकरेज करने का, उनको एक साथ में लाने का, उनको सेलेक्ट करने का और सेलेक्ट करके ऐसे प्रोग्राम में ला करके उनको आगे इनकरेज करने का, ये जो प्रोग्राम मनीष जी, जस्टिन और जो इनके साथ जुड़े हुए तमाम जो और संस्थाएं हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी ईश्वर से कामना है कि मनीष जी को और इनकी टीम को और एनर्जी दे कि इस तरह के और अच्छे काम करें। थैंक यू। एंड आप सभी लोगों को मैं जानता हूँ और मेरे ख्याल से आप हमारे हर शो में आते हैं। इसके पहले भी हमने देखिए के मॉल में गया था, गिनीज रिकॉर्ड भी हमने बनाया था, बहुत सारे लोगों को हमने इकट्ठा करके उसे इंडियन लिखा था। आज का जो शो था वो प्रोटोकॉल फॉलो करके बहुत ही कम लोगों को बुलाकर हमने इंडियन सागा का अरेंजमेंट किया, और इसमें एफ म्यूजिक जो कंपनी थी इन्होंने भी एफर्ट्स किए। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे शोज़ रहेंगे, और जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो क्रिएटिविटी करते हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, उनको हम हमेशा ऐसे अप्रिशिएट करते रहेंगे और बहुत सारी ट्रॉफियाँ, बहुत सारे अवार्ड्स देते रहेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी अवार्ड मिला है? हाँ, मेरे करीब को मिला है, मेरे छोटे भाई को मिला है, अंकल जी है उनको मिला है। एक्चुअली वी आर द ऑर्गेनाइजिंग पर्सन, बहुत अच्छा लगा। आज मुझे दिल्ली से यहाँ पे बुलाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देखो, बचपन से हम सबको अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है। यानी कभी आपको याद है ना, माँ बोलती थी, अरे ये कर, मैं फिर तुम्हें ये देती हूँ लड्डू। तो इट्स द सेम फीलिंग वेन एवर यू गेट अवार्ड, दैट लड्डू फीलिंग इज ऑलवेज देयर इनसाइड। सोशल वर्क, एंड सोशल वर्क इज जस्ट फीलिंग, ये फीलिंग की बात है। जिसको फील होता है वो करता है, जिसको फील नहीं होता है वो साइड से चला जाता है। इट जस्ट लाइक दैट। अभी द ग्रेट मॉम स्वामी विवेकानंद करके टीवी सीरियल आ रही है, जिसका हमारा एक फेज़ शूट लॉकडाउन से पहले हो गया, अभी सेकेंड फेज़ दिसंबर में शुरू हो रहा है, एंड देन दैट विल कम। देन ऑर्डर करके OTT पे वेब है, ऑर्डर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इट्स क्राइम बेस्ड लॉ एंड कोर्ट रूम ड्रामा। देन चिमाजी अप्पा करके मराठी मूवी है, दैट इज़ कमिंग, इट्स अ बिग बजट मराठी मूवी। देन राणा प्रताप हिंदी मूवी जो है वो आ रही है, सो दिस प्रोजेक्ट्स आर कमिंग। और बीच बीच में TVC वगैरह आती रहती है, जो आप लोग देखते रहते हैं TV पे। And wishing you all a very happy Diwali. Diwali ki bahut saari shubhkamnaen. Okay.
सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली।